चटना लेटना दौड़ना कूदना फोड़ना सख्त मना बड़ी बढ़िया लो सर बढ़िया मैडम के लिए गाइस तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग के साथ। जो मेरा वीडियो का मतलब राजगीर का जो पार्ट वन ब्लॉग है वो मैंने अपलोड कर दिया गया है, तो जल्दी जल्दी जाइए मेरे चैनल को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तो देखते हैं गाइस, ये देख सकते हैं ये हमारा रूम, इधर देख सकते हैं टीवी है, इधर बेड है और लोग रेडी हो रहे हैं। वेदर काफी अच्छा है गाइस, मुझे तो लगा था कि पटना बिहार जा रहा है तो काफी गर्मी रहेगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड देख सकते हैं, मुझे नहीं पता था कि बिहार जिले में इस तरह का मुझे मौसम और व्यू हमें देखने को मिलेगा, बट हम तो काफी मजा कर रहे हैं और बाकी लोग पीछे हैं क्योंकि वो लोग रेडी हो रहे थे, तो हम लोग सोचे क्यों ना हम लोग नालंदा जिला में आए। गेट नंबर 5 बोला, जगह काफी सुंदर है गाइस, सुपर्ब। और अभी हम लोग जाने वाले हैं नेचर सफारी के लिए गाइस, सो हम तो काफी एक्साइटेड है।
एक नजर देख ले वे देरे गोरिया फिर तो चल जावे भैर। अब देखते हैं गाइस हम लोग का नंबर आता है कि नहीं आता है। बस तो काफी एडवेंचर दिख रहा है, तो कुछ एडवेंचर और तूफानी करना भी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। सिलम जुड़ी काले नियावा थे नैनों में तुर चीरा दिल में है प्यार कहरा नैनों में तुर चेहरा दिल में है प्यार कहरा चलने खुल के बगिया में दुयो जाए के है प्यार कर बरे। हम लोग अभी पहुंच चुके हैं नेचर सफारी एंड यहाँ चल रहा है फोटो शूट। ब्रेकफास्ट तो हमारा नहीं हुआ है, देख सकते हैं काफी खूबसूरत सा एंट्रेंस है यहाँ पे। अरे तो होगा ही गंदा। और नेचर सफारी में गाइस हम लोग एंटर कर चुके हैं एंड देख सकते हैं एंट्रेंस काफी अच्छा है, इंटीरियर भी बहुत अच्छा है, बैठने और सुस्ताने के लिए काफी अच्छा प्रबंध किया गया है, साथ साथ वॉशरूम भी अवेलेबल है गाइस। तो ज़रूर से ज़रूर आप यहाँ विजिट करें एंड अगर आप थोड़े थक चुके हैं तो आप यहाँ थोड़ा बहुत रेस्ट भी ले सकते हैं एंड यहाँ आपको टिकट काउंटर भी मिलेगा। अभी हम लोग करने वाले हैं जिप स्काई बाइकिंग गाइस, मी एंड माय हस्बैंड। तो पहले तो पीटर बहुत डर रहे थे बट अभी नहीं डर रहे हैं।
और अभी हम लोग आ गए हैं ग्लास ब्रिज एंड सस्पेंशन ब्रिज के लिए। तो यहाँ आने के लिए आपको अंदर में टुक टुक या ई रिक्शा अवेलेबल है गाइस, जो आपसे 10 रुपीज एंड 20 रुपीज चार्ज करेंगे एंड आपको जहाँ भी जाना है तो वहाँ आपको छोड़ देंगे। एंड देख सकते हैं गाइस काफी लंबी लाइन है, बट एक बार में वो लोग 15 या 20 लोगों को जाने दे रहे हैं, तो जल्द ही खत्म हो जाएगी मेरी लाइन। लोग पहुंच चुके हैं स्काई ग्लास ब्रिज। ओह माय गॉड, अरे बाप रे, डर भी लग रहा है। हे बाबा, नहीं उधर देख रहे, उधर ऊंचा है, चलो ना उधर आगे, उसमें क्या है बोल रहे हो। हमको तो बड़ा डर लग रहा है भाई। सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस गाइस, आप लोग भी आइए यहाँ राजगीर एंड इस ग्लास ब्रिज का मजा लीजिए। सुपर्ब। बात नहीं करना है सर, बात नहीं करना है। ग्लास स्काई वॉक पर फोन अलाउड बंद है सर। वीडियो तो कर सकते हैं ना। ये नॉर्मल ग्लास ही है ना। हाँ नॉर्मल ही है, डरिए मत। पर अब नीचे देखने पे डर लगता है, बाप रे हम ना देखेंगे नीचे भाई। पकड़ पकड़ के आ चलो फोटोशॉप ग्रुप फोटो। पर बांटना, लेटना, दौड़ना, कूदना, फालना, सख्त मना बढ़िए, सख्त मना बढ़िया। लो सर बढ़िए, मैडम बाबू बाबू चल बढ़िए। हाँ गलती से कोई कूद गया भैया तो कूद के दिखाइए। तो हाई की फोबिया है, माय गॉड मुझे भी है। और जस्ट यहाँ से 100 मीटर्स की दूरी में ही है सस्पेंशन ब्रिज गाइस। काफी थक चुके हैं एंड पानी भी हमारा खत्म हो चुका था, सो वी आर वेरी टायर्ड एंड इसके बाद हमारी शुरू होगी जू सफारी, सो वी आर वेरी एक्साइटेड ऑल्सो गाइस। तो चलिए चलते हैं एंड आपको सस्पेंशन ब्रिज का नजारा दिखाते हैं। Enjoying? Yes. Suspension bridge. चलो चलते हैं हम लोग वापस।
ब्रिज में अमर को फोटो शूट करा रहा है। अजगर का जो नेचर सफारी है वो होता है कंप्लीट, जिसमें हम लोगों ने ग्लास ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज एंड एक स्काई राइड था वो हम लोगों ने किया और काफ़ी थक भी गए हैं गाइस। तो हम लोग ने नहीं सोचा कि वो ट्रॉली वाला एक रहता है वो करना चाहिए। एंड अभी हम लोग निकल रहे हैं मेन गेट की तरफ, वहाँ से हम लोग बस लेंगे एंड 3 बजे से हमारा जू सफारी भी स्टार्ट है। एंड देख सकते हैं स्किन मेरा पूरी तरह से टैन हो चुका है गाइस। तो जितना भी कॉस्टिंग था जो भी था उसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। एंड ये हो गया मेरा पार्ट 2 एंड इसके बाद मैं पार्ट 3 शूट करने जा रही हूँ, वो रहेगा जू सफारी। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग के साथ। अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं? आशा करती हूँ गाइस कि आपको मेरा नेचर सफारी का व्लॉग काफी पसंद आया होगा। सो आप लोग में जरूर से जरूर राजगीर विजिट करें एंड काफी अच्छा इसे बना दिया गया है, पहले तो इस तरह का नहीं था एंड बहुत सारी मतलब आपको जानकारी यहाँ मिलेगी। एंड यहाँ है सिटिंग अरेंजमेंट, क्योंकि हम थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग 3 बजे अपनी जू सफारी के लिए निकलेंगे। तो जू सफारी देखने के लिए गाइस बने रहेगा मेरे व्लॉग। इस जादू में आओ, तुम्हारा स्वागत है, वेलकम वेलकम। और एक तितली कुछ हो, कोई सा भी तितली होगा, स्पीड इनको लग रहा है कि स्लो हो जा रहा है।